सत्सकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सर दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह डेरा मुखी गुरमीत सिंह ते पैरोल ते विचार वड्डी खबर दस दिए कि जेल दे विचों गुरमीत सिंह नू बाहर कढ़िया जा सकता है, पैरोल दिती जा सकती है। ये फैसला हरियाणा की सरकार ने करना है। सुनारिया जेल ने सिरसा के प्रशासन तो NOC मंगी है। डेरा मुखी गुरमीत सिंह ने अपनी मां नसीब कौर की बीमारी का हवाला दिता है। अक्तूबर 2020 एक दिन की पैरोल डेरा मुखी को हरियाणा की सरकार ने दिती सी। तुहानू दस दिए कि सुनारिया जेल में सजा जाफ्ता कैदी गुरमीत सिंह जो 7वें बलात्कार पत्रकार राम चंद्र छत्रपति कतल मामले में सजा जाफ्ता है, सज़ा कट रहा है, जिसने पैरोल ले अर्जी लगाई है। सुनारिया जेल में बैठा गुरमीत सिंह कह रहा है कि उसने अपनी मां नसीब कौर को मिलना है क्योंकि बीमारी का हवाला दिता गया है। तुहानू जानकारी दे दी है कि 2020 एक दिन की पैरोल गुरमीत सिंह को दी गई सी। जेल के नियम्स हैं उसमें सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो अथोराइज है, उसे कोई भी आदमी पैरोल की एप्लीकेशन दे सकता है और सुपरिटेंडेंट जेल को ये अधिकार है जब कोई इमरजेंसी को पैरोल हो तो उस पैरोल के लिए DC से और SP से लोकल रिपोर्ट लेके उसको कर सकता है। इस तरह से चलता आ रहा है, आप भी जान रहे हैं मैं भी जान रहा हूँ। तो ये सुपरिटेंडेंट का अपना उसका प्रेरोगेटिव है कि किसी की एप्लीकेशन आ रही है अगर DC SP कन्फर्म करता है तो उसे पैरोल दे सकता है। तो तुसी सुनिया हरियाणा दे वजीर कह रहे ने कि हरियाणा सरकार कर सकती है क्योंकि DC दे हाथ पावर है। NOC मंगी गई है डिप्टी कमिश्नर सिरसा तो कि जेकर गुरमीत सिंह नू छड्या जांदा है तो सुरक्षा दे मद्देनज़र जो हालात रहणगे कि वह ठीक रहणगे। इंटैलीजेंस की रिपोर्ट भी इस ते ज़्यादा निर्भर करती है। विजय कुमार साडे पत्रकार इस खबर से जानकारी देंगे। विजय की लगता है सिरसा का प्रशासन की NOC नू अप्रूव कर सकता है? किस तरह की दिक्कत सिरसा प्रशासन नू तुहानू की लगती है कि है जेकर गुरमीत सिंह नू बाहर कढ़िया जा सकता है? जी कृष्ण बिल्कुल दस दिए कि रोहतक जेल प्रशासन की तरफ तो ही कुछ दिन पहले सिरसा DC नू एक लैटर प्राप्त होया सी, उहदे च ही दिता गया कि डेरा प्रमुख राम रहीम नू पैरोल जिहड़ी है उहदी मांग कीती गई है। ते उस तों बाद रोहतक जेल प्रशासन ने उन्हां नू एक सलाह मंगी सी सिरसा DC नू कि सुरक्षा दे मद्देनजर राम रहीम नू पैरोल दित्ती जांदी है ते उस तों बाद ही अगे दी कारवाई की जाएगी। तो उस तो बाद अज कयास ये लगाया जा रहा है कि रोहतक सिरसा के DC अज उनके लैटर का जो है जवाब रोहतक के DC नू देंगे, DC रोहतक के अगे ते जेल प्रशासन नू देंगे। उस तो बाद ही उम्मीद लाई जा सकती है कि अगे राम रहीम दी पैरोल नू लेके कोई फैसला सरकार कर सकती है। बिल्कुल जिहड़ा विचार वह किया जा सकता विजय की लगता है जेकर पैरोल ते गुरमीत सिंह नू बाहर कढ़िया जा सकता है क्योंकि एक दिन की पैरोल हरियाणा की सरकार ने पिछले साल दिती सी। सर किस तरह के जिहड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वह सिरसा च रह सकती है? कृष्ण बिल्कुल दस दिए कि एक दिन की पैरोल पिछले साल भी राम रहीम दिती गई थी जिसके तहत राम रहीम अपनी माता वेखण वास्ते गुरुग्राम के अस्पताल च गए थे। उस तो बाद एक बारी होर इन्होंने एक मैरिज परपज वास्ते भी एक एप्लीकेशन लाई थी कि मैरिज परपज शामिल होने वास्ते सिरसा के डेरा सिरसा सौदा विच जाने वास्ते इन्होंने पैरोल मंगी थी। हालांकि रोहतक प्रशासन ने वह रिफ्यूज करती थी। हुण एक बार फिर राम रहीम ने एक पैरोल लाई है ते इस पे फैसला हाले प्रशासन ने लेना, सिरसा प्रशासन ते रोहतक प्रशासन लेना है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर गल की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम जिवें पिछली बार किए गए थे तो उस तो पुख्ता ही किए जाएंगे क्योंकि सिरसा तुहानू दस दिए कि सिरसा राम रहीम का खुद डेरा है ते उत्थे काफी संख्या च इन्हां दे फॉलोअर्स भी रहिंदे ने। बिल्कुल विजय बहुत बहुत धन्यवाद। सो वड्डे गिणती विच डेरे दे प्रेमी ने पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश विच दबका रखण वाला गुरमीत सिंह जो सुनारिया जेल विच बंद बैठा है जिसनू हरियाणा की सरकार ने एक दिन की पैरोल गुप्त तरीके नाल दित्ती सी। कई दिन बाद जगजार होया सी कि गुरमीत राम रहीम जिसनू पैरोल दिती गई है, पर हुण तुहानू जानकारी दे दिए कि गुरमीत सिंह जिसने फिर तो
हरियाणा की सरकार अगे गुहार लगाई है कि उसनू पैरोल दे दिती जावे। सो सुनारिया जेल में बैठा गुरमीत सिंह जिसते NOC हुण सिरसा का प्रशासन देवेगा जां नहीं देवेगा, क्योंकि इंटैलीजेंस का होर तरह जिहड़ियां सुरक्षा के मद्देनज़र जिहड़ी रिपोर्ट वो सिरसा का प्रशासन सुनारिया रोहतक जेल में देवेगा सुपरडेंट तवे। जेकर सहमति बनती है हरियाणा सरकार को लगता है कि किसी तरह की सुरक्षा में विघन नहीं आएगा तो हो सकता है कि गुरमीत सिंह सुनारिया जेल चो बाहर कढ़िया जा सकता है। तो कोरोना का भी जिक्र करांगे। पंजाब दे विच कोविड के अंकड़े बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई महकमे के अफसरों के नाल गलबात की, कई सरपंच भी इस गलबात दौरान हाजिर दिखाई दिते। बैठक में सूबे के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, मुख्य सचिव विनी महाजन समेत कई अफसर हाजिर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों ऐलान कर दिया गया कि जिहड़े पिंड 100% वैक्सीनेशन का टीचा पूरा होगा उसनू 10 लाख रुपए का चैक दिता जाएगा। सो कोविड के मद्देनज़र वैक्सीनेशन ड्राइव के बड़े गिनती में पिंड भाग लेंदे दिखाई दिते। जिला परिषद का मैंबर कोई भी होए और जेड़ा कोई भी कुछ नहीं, ओदा भी जिम्मेवारी बननी है कि अपने पिंड नू अपने घर नू बचाउणा। अगर तुसी ये करोगे ना फिर आपां इस नू काबू कर सकते हैं। और ता ही असीं क्या कैसी तुहानू दवाई भी देवांगे घर दे विच और तुहानू रोटी का प्रबंध कर देंगे 21 दिन वास्ते, ताकि तुसी अगर तुसी हो थोड़ी घर वाली है और नाले थोड़े 4 बच्चे ने तो असीं 6 बैग देवांगे तुहानू हर बच्चे वास्ते और हर बंद के 1-1 बैग, ताकि तुसीं 21 दिन अपना पूरा करा सको अपनी क्वारंटीन दा और फिर आके तुसीं अपना काम कर लो। ये असीं अपने तौर पर कर रहे हैं और साड़ी ड्यूटी बनती है। और मैं चाहना है कि जेडे भी गरीब है तुसीं बेटा मेरी बेटी हो जो है तुसीं डरो ना किसी गल तो। जिते ताईं गवर्नमेंट 45 साल की उम्र तो ज़्यादा ने लोग उन्हां दा वैक्सीनेशन जो आ रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो मुफ्त आ रहा है, और जो 18 और 45 दरम्यान ने पंजाब गवर्नमेंट अपने हेल्थ सेंटर उसनों मुफ्त करेगा, ताकि थोनों जिते भी तुसी जा सको उत्थे किसी भी हेल्थ सेंटर जो पंजाब गवर्नमेंट का सेंटर है हॉस्पिटल है या हेल्थ सेंटर है उत्थे जिते डॉक्टर बैठे ने और वैक्सीन आ गई तुसी जाके उत्थे मुफ्त लगा सकते हो। पंजाब के अंकड़ों तो अपडेट तुहानू करवा दिए। 24 घंटे COVID-19 के अंकड़े 7000 तो पार पहुँचे, जबकि मौतों का अंकड़ा 231 दर्ज किया गया। 8174 मरीज ठीक हो चुके हैं जिन्हों वख-वख सेहत केंद्रों विचों डिस्चार्ज किया गया है। सो पंजाब के अंकड़े का असं जिक्र कर रहे हैं। COVID-19 के अंकड़े बढ़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंडा में स्पैशल ड्राइव चलाने की गल आख रहे हैं। अंकड़े तुसी टीवी स्क्रीन पर देखो कि सनाती शहर लुधियाना जिथे वड्डी गिणती विच बाहर तो आई मजदूर लेबर जिथे काम कर रही है उत्थों के अंकड़े 991 ने, बड़े चिंताजनक ने। 24 घंटे 991 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह नाल शहर बठिंडा SAS नगर जलंधर अते अमृतसर पटियाला के अंकड़े भी तुसी देख सकते हो कि 24 घंटिया दरम्यान जिहड़ा अंकड़ा वो लगातार वध दिखाई दे रहा है। पंजाब दे विच सरकार जिथे पिंडां विच अभियान चला रही है कि ठिकरी पैरा दिता जाए, उत्थे ही सरकार इत्थों तक कह चुकी है कि जेकर किसी पिंड दे सरपंच ने 100% ये ड्राइव नूं पूरा कर लिया उसनूं 10 लाख रुपए की ग्रांट पिंड दे कम्मां वास्ते दित्ती जाएगी। तुहानूं 3 शहर दिखावांगे। मोहाली तो साडे पत्रकार अनमोल सिंह गुलाटी जुड़ चुके हैं, शहर बठिंडा तो गोबिंद सैणी साडे नाल जुड़े रहणगे ते मोगा तो नवदीप साडे नाल हाजिर रहणगे। सब तो पहला अनमोल मैं तुहाडा रुख करांगा। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 लाख रुपए के चैक का जिक्र कर रहे हैं कि लगता है कि पिंडां विच जागरूकता इस नाल वधेगी। जी बिल्कुल, जेकर किशन गल की जाए पंजाब की तो पंजाब दे विच जिहड़े शहरी इलाके ने उन्हां दे विच जरूर कितना ना कितें लोगों के अवेयरनैस भी फैलती नज़र आ रही है। उन्होंने कितना ना कि लोग अगे आ के अपने आप में वैक्सीनेट भी करवा रहे हैं, लेकिन जेकर पिंडां की गल की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मिथ मौजूद ने, काफ़ी ज़्यादा भ्रम मौजूद ने वैक्सीन नू लैके। तो दूजे पासे टेस्ट करवाने तो भी लोग काफ़ी ज़्यादा गुरेज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कतरा रहे हैं। तो इस चीज़ नू जिहड़ा कि एक मोटिवेशन दे तौर पर वेख्या जाए कि साफ तौर पर कहा गया कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों के जेकर किसी भी पिंड दे विच वैक्सीनेशन करवाई जाती है 100% वैक्सीनेशन कराई जाती है तो उन्होंने एक स्पैशल ग्रांट जी की है वह भी जरूर दी जाऊगी 10 लाख की। तो वो स्पैशल ग्रांट जी की जो सरपंच ने वह कितना ना कि इस्तेमाल करेंगे कोविड के लिए होर की कुछ इंफ्रास्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि अवेयरनैस जी की है वो पिंडा इस वक्त फैलानी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पिंडा अवेयरनैस काफ़ी ज़्यादा घट है, जोड़े नियम ने उन्हों की पालना जी की नहीं की जा रही। पंजाब के पिंड शहरी इलाके जरूर कितना कितने लोग इस वक्त अवेयर होंगे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पिंडा अवेयरनैस काफ़ी ज़्यादा घट है। तो इस अवेयरनैस को बढ़ाने लिए खास तौर के उत्ते सरपंचों को पंचों को जड़ के इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं कि अपने पिंडा वैक्सीनेशन ते टेस्टिंग जिहड़ी की है वह वधाई जाए, लोगों को मोटीवेट करवाया जाए कि टेस्टिंग जिहड़ी की है लोगों वल्लों कराई जाए ताकि जेकर जो भी केसिज ने भावें माइल्ड सिमटम्स भी होन उन्होंने भी टेस्टिंग जिहड़ी की है वह जरूर कराई जाए। तो जिस तरीके 100% अगर वैक्सीनेशन करवाई जाती है किसी पिंड उन्होंने स्पेशल ग्रांट की जिहड़ी मोटीवेशन एक तौर के उत्ते काम करेगी क्योंकि जेकर 100% वैक्सीनेशन कराई जाती है तो उस तो बाद जिहड़ी ग्रांट होगी इनू कोविड के लिए कोई नवा इंफ्रास्ट्रक्चर जेको नवे प्रबंध जिहड़े भी करने होणगे उन्होंने इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है जिहड़ा कदम चुकया गया हुण पंजाब सरकार वल्लों इहदे नाल जरूर कितने कितने कोविड जिस तरीके नाल पैर पसार रहा पंजाब दे विच उहदे ते जरूर कितने कितने रोकथाम दे विच जरूर मदद मिलेगी। ठीक है अनमोल, तुसीं लाइन ते रहे हो, साडे नाल नवदीप भी जुड़े हुए ने मोगा तो। नवदीप की लग रहा है मोगा दे विच वड्डी गिणती जिथे कोविड के एक्टिव मरीज आ रहे ने और किस तरह की जिहड़ी जागरूकता पिंडां दे विच है जिस हिसाब नाल सरकार ऐलान कर चुकी है कि 100% जिहड़ा भी सरपंच वैक्सीनेशन की ड्राइव विच हिस्सा लवेगा उसनू असी 10 लाख रुपए के चैक नाल निवाजांगे, कि लगता कि इस बयान नाल पिंडां विच जागरूकता होर वधेगी? देखो बिल्कुल कृष्ण, मोगा दे नाल जिहड़े आ काफी पिंड लगते हैं तो कह सकते हैं कि लोगों च एक मोटीवेट जिवें अनमोल जी ने दस्या कि मोटीवेट हो रहे हैं लोग इसनू लैके। जे मोगा की गल की जाए तो मोगा का पिंड सापू वाला है जिसते 45 साल तो उपर जो लोग ने उन्हों की 100% वैक्सीनेशन जी कंप्लीट हो चुकी है। कल मुख्यमंत्री वालों भी उन्होंने जो सरपंच ने पिंड के साफो वाले लखवंत सिंह उन्होंने भी गलबात कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए की, उन्होंने आस जताई थी कि होर पिंडों भी जोड़ा मोटीवेट कर उस तो बाद जो ऐलान भी किया गया 10 लाख रुपए की जी स्पैशल ग्रांट है वह पिंड दी जाएगी। तो मोगा के कई पिंड यहोजे ने जिन्हों की 90% तो उपर जी वैक्सीनेशन चढ़ी गई है तो लोग जोड़े ने इस मोटीवेट जरूर हो रहे हैं। एक स्पैशल ग्रांट जी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों दी जानी है उसका लाहा भी लैणगे नाल दी नाल जी वैक्सीनेशन भी करवाउणगे। तो एक वधिया कदम दस सकते हैं कह सकते हैं कि पंजाब सरकार वालों पिंडा वालों जो पिंडा के सरपंच ने पंचायतों ने उन्होंने मोटीवेट करने वास्ते जोड़ा एक कदम चुकया गया। दूसरे पास गल कर ली, एक पिंड सलीना है साढ़े इतने उन्होंने वालों जी 100 किले जी उन्होंने पेशकश की गई है सरकार कि इतने कोविड का कोई हॉस्पिटल जोड़ा बनाया जाए, पर जी जमीन है किसी विवादा चल रही है जल्दी उसका फैसला आ जाऊगा। सरकार 100 किलों की पेशकश जी उस पिंड वालों की गई है कि उत्थे कोई बहुत वधिया वड्डा वैक्सीनेशन सेंटर या कोविड रिलेटेड जिहड़े आ हॉस्पिटल बनाउण, तां लोक जिहड़े ने कृष्ण अगे जरूर आ रहे हैं जी। ठीक है नवदीप, तुसीं भी लाइन ते रहे हो। गोबिंद, बठिंडा च किस तरह के हालात ने, की प्रशासन ते सिहत अमला ठीक काम कर रहा है जिस हिसाब दे नाल सरकार लगातार चिंतित दिखाई दे रही है? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6569 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 720 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 34 ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 2,79,836 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੋਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਪੈਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
जिसनों देखते हो हम पिंड वाले जो है खास तो जो सरपंच है चीपंच मैंबर है इसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो पिंड जो लोगों भी है जागरूक कर रहे हैं भी तुम आपका कोरोना का टैस्ट भी कराओ तो जो वैक्सीनेशन है वो भी लियाओ हूँ जिस तक आप सारे पालना करा तो ही जाके जो है अपना कोरोना जो चैन तोड़ा फिलहाल जो है प्रशासन बार बार लोगों को अपील कर रहे हैं लोग भी हूँ ज्यादा सानू देखने को मिल रहा है जागरूक हो रहे हैं लोग हूँ हॉस्पिटल जा रहे हैं कोविड जो है वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं वैक्सीनेशन भी लवा रहे हैं लोगों के काफ़ी जागरूकता देखने को मिल रही है तो लोगों को हूँ अगे आना पवेगा तो पंजाब सरकार भी बार बार लोगों को अपील कर रही है जे आप चैन जे आप कोरोना की जी चैन तोड़नी हैगी है तो लोगों को अगे आना पवेगा तो ही आप जाके कोरोना तो आप जंग जीत सकते हैं तो ज्यादा तो ज्यादा वैक्सीनेशन लवाई जाए तो ज्यादा तो ज्यादा कोरोना टैस्ट कराया जाए जी पंजाब सरकार गाइडलाइन ठीक है गोबिंद नवदीप ते अनमोल तुहाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई ते तमाम अपडेट साडे नाल देण दे लई पर पंजाब दी असीं गल करिए तां जिथे वख-वख सियासतदान बयान दे रहे ने उत्थे राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपील कीती कि महामारी करके जान गवाउण वालियां दे परिवारां दी आर्थिक मदद कीती जावे प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार परिवारां लई 1 लख रुपए की राशि का ऐलान करे इस दे नाल ही कोविड के चलदियां जिन्हां दे मापे पूरे हो चुके ने उन्हां दे बच्चियां दी भी आर्थिक मदद पंजाब दी सरकार करे श्रोमणी अकाली दल दे आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने कोविड दे चलदियां पंजाब दी सरकार नूं घेरा पाया कि हर फ्रंट ते पंजाब दी सरकार फेल हो चुकी है वो कह रहे ने कि सरकार तां आईसीयू ते पई है डैथ रेट पंजाब दे विच ज़्यादा है सरकार कर की रही है हरियाणे च 6,800 पंजाब च 12,000 दे नेड़े तेड़े डैथा हो चुकी ने और रजिंद्रा हॉस्पिटल जिथे जिन्ने बंदे दाखिल हो रहे हर तीजे बंदे की मौत हो रही है जेडे सरकारी अस्पताल इन्हां दा एक फ्लै पटियाला सीएम साहब का जिला जिथे बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उत्थे फर्टिलिटी रेट 35% 30 डैथ्स अ डे यार ये मजाक है वेंटिलेटर दिल्ली तो आए सी वाया सो मनी भी लाइन अनयूज्ड एक क्रिमिनल नेगलिजेंस है क्यों नहीं इसते क्यों मतलब वाई आर बी मतलब डे बाय डे डेथ्स बढ़ रही ने रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग नो इनकरेज किया जा रहा कि सच्चाई सामने ना लियाओ पिंडा च टेस्टिंग नहीं हो रही लोग टेस्ट कराउण तो घबराउंदे आ बठिंडा में एक बार मुड़ तो कांग्रेस के कौंसलर ते कोविड निजमां दीआं धज्जियां उड़ाउण दे इल्जाम लगे ने इल्जाम यह है कि कौंसलर वालों एक बैठक की कि जिस विच 50 तो ज़्यादा लोगों ने शिरकत की इस मौके मनप्रीत सिंह बादल के खजाना मंत्री के रिश्तेदार जयजीत सिंह जोहल मीडिया से भड़कते भी देखे गए दरवाजा ਤੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਟਿਕ 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 ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂ ਆਰ ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਮੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਾਰਜਰ ਆ ਬੈੱਡ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਰਿਹਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜੀ 50-55,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ 16-17,000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ 20,000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਚਾਰਜ 15,000 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੀਗੇ
मैं तीजे दिन ठीक हो गया सीगा, मैंने कहा दो चार दिन होर वेखते हैं शायद कोई प्रॉब्लम है, मैं ही मेरी ऑक्सीजन ला दी सारा कुछ ला, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, छुट्टी दे दो, कहते नहीं इन्होंने मैंने 8 दिन रखे, 3.5 लाख रुपया मेरे लगे। नहीं सर इन्हों का वैसे जो बिल है कोई करीबन नॉर्मल चार्जेस हो रहे हैं, कल जी जो गवर्नमेंट चार्ज है वही चार्ज किया जा रहा है। शिकायत मिली सी कि इतने मरीजों तो ज्यादा पैसे ले जाते हैं, असी शिकायतकर्ता मिले उन्होंने बयान नोट किए, उन्होंने तो कागज पत्र लिया तो हस्पताल ने उन्होंने की मतलब के चार्ज किया उन्हों का भी रिकॉर्ड ले लिया, तो देखते हैं कि उन्होंने असी जो जो इतने कमियां पाई गई वो रिपोर्ट करा एक्शन उच्च अधिकारियों ने लैना। पटियाला च कोरोना वैक्सीनेशन नूं लैके हालात बड़े चिंताजनक ने, क्योंकि पूरे जिले में सिर्फ 2 थावां ते वैक्सीनेशन की जा रही है, बाकी शहरों में वैक्सीनेशन का ड्राइव बंद, लोग परेशान ने। लोगों का कहना है कि हर रोज़ वैक्सीनेशन लगवाने लिए आते हैं पर उन्होंने निराश होकर घर परतना पैंदा है। है ही नहीं जी, ना तो कोई इन्हों का वलंटियर है, ना कोई टीका लगाने वाला, ना कोई नर्स है, ना कोई डॉक्टर है, खिड़कियाँ देख लो बंद लॉक पईयां ने। अज मैं तीसरा दिन है, 1500 रुपया तो मेरी वैसे ही दिहाड़ी चली गई जी, 1500 का मन लगता जी, फिर तो मैं कमा के 1500 का उतो लगा ला बाजारों, अगर जो मुल मिलता हों, मुल भी नहीं मिलता जी, ये भी नहीं लगाते। अज चौथा दिन है जी लगातार मुड़दे, शुक्रवार को आया थी, शनिवार को आया थी, सोमवार को, आज मंगलवार है जी, चौथा दिन हो गया, ऐतवार को आया नहीं, चौथा दिन हो गया जी, बस इस तरह ताला लगे रहा, कोई उरे हुंदा नहीं, कोई बस आ जाने मुड़ जाने, यही हाल है जी। है नहीं कोई भी, बस ये दिक्कत है लोगों को, ये तो पहले बता दो है नहीं अपने को, लोग भाग भाग के आ रहे हैं फिर वापस खाली, तुसी भी आपका काम कार छड़ के आ रहे हैं। हाँ सारे काम कार छड़ के आ रहे हैं, पहले कहने जरूरी है जरूरी है, ये तो बंदा आना इतने है ही नहीं कोई। अज पिछू सानू उपरों ही मैसेज आया सी कि अज का दिन वैक्सीनेशन नहीं होएगी, कल तक तो वैक्सीनेशन होंदी रही है, 18 तो 47 साल के व्यक्तियों की वैक्सीनेशन हो रही है, पर अज सानू उपरों वैक्सीनेशन नहीं मिली, इस करके कि तेरी कोई कैंप नहीं लगाया जा रहा। डेरावाल स्वामी लगातार पंजाब की सरकार के नाल खड़ा है, तो कोविड काल में अपने सत्संग घरों वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, वड्डी गिणती विच लोगों नूं कोविड संबंधी जागरूक किया जा रहा है, तो बाहरों आने वाले लोगों नूं डेरे विच रहने के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। सानू सेवा वाली कहा गया सी कि तुसीं जिहड़ी जगह हैगी है सानू प्रोवाइड करवाओ, तो उहदे विच जो साडी ड्यूटी सीगी वलंटियर्स जी, उहदे विच असीं रिफ्रैशमेंट जिहदे विच के चाह और बिस्किट का अरेंजमेंट है, बाकी पानी वगैरह और प्लस फ्रूट का असी इंतजाम किया, बाकी साड़ी वलंटियर्स टीम है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके प्रॉपर गाइड करके जी पब्लिक है उन्होंने बिठा रही है। लोगों ने बहुत पसंद किया इस जगह को, इतने लाइट रिफ्रैशमेंट भी रखी है और बैठने लिए बड़ा ईजीली वधिया माहौल आ, और लोगों वालों फीडबैक यही मिली है भी इस तरह का एटमोसफीयर कि देखने नहीं मिलता। देखो जी जिमें हम 18+ जिदे तो परसों तो लाने लगे हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा टीके उन्नी वैक्सीनेशन नहीं होंगी जिन्हें लोग आए हुए होंगे ने, मतलब लोगों बहुत उत्साह हर एक उत्सुक है, हरेक इंसान 18 तो जोड़े 43 साल वाले कि असं इंजेक्शन लगवाइए। इस बुलेटिन के विच एनआई।